हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। इट्स मी मिस्टर विकास, मी बीमू, एंड स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस बिम्बिक पर। तो दोस्तों, कल रात की आप लोगों ने वीडियो देखी होंगी कि ये मेरी बीमू रो रही थी। तो एक्चुअली वो क्या बात है वो आपको बीमू ही बताएंगी। बता पाओगी आप? ठीक है, मैं ही बोल देता हूँ। एक्चुअली बात क्या है दोस्तों कि हमें कहीं से पता चला कि इनकी माँ ना बीमार है कुछ दिनों से, बोले तो महीनों से बीमार है और ठीक नहीं हो रही है। तो जैसे ही ये बात हमें पता चला तो हमने कांटेक्ट करने की कोशिश करी इनकी मम्मी को, तो इनके मम्मी ने बात करने से साफ मना कर दिया और साथ में ये कहा कि मेरी सिर्फ एक ही बेटी है, जो इनकी एक बहन है छोटी सी, उनके बारे में बोला कि एक ही बेटी है और एक बेटा है और मेरा कोई संतान नहीं है। तो ये बात सुनकर बीमी को काफ़ी तकलीफ़ हुई, लेकिन बात नहीं हो पाई। तो उसी वक्त का सीन था वो जो आपको मैंने कल रात दिखाया था, तो इसीलिए रो रही थी, बहुत भावुक हो गई थी। तो एक्चुअली देखिए, माँ को भूल पाना और माँ बात ना करे तो और ऐसा बात बोलो तो कितना दर्द फील हो सकता है। ये जितने भी सिस्टर लोग हैं या जेंट्स लोग भी हैं हमारे चैनल पे, समझ सकते हैं जब बात माँ की हो तो दिल पर क्या गुजरती है। तो बस यही एक बात था जो आप लोगों का काफ़ी कॉमेंट आ रहा था कि बताइए बताइए क्या हुआ, क्यों रो रही है बीमू, तो यही बात है। तो चलिए आज हम जो भी करते हैं आप सभी को हम दिखाते हैं, और साथ में एक बात और बताना है आप सभी को, तो बात हम आपको रास्ते में जाते जाते बताते हैं। अभी हम बाज़ार जा रहे हैं, तो चलिए हमारे साथ। वे में है बाज़ार जा रहे हैं। अब क्यों जा रहे हैं बाज़ार बताइए? वही मटर देखने के लिए जा रहे हैं ना। बताओ ना मम्मी, हाँ। पैसा भेजिए तो मटर लाने जा रहे हैं दोस्तों। हम मटर खरीदने के लिए जा रहे हैं, और आप लोग का क्वेश्चन भी था दोस्तों कि मम्मी जी आने वाले हैं तो कहाँ आई करके, तो मम्मी जी कॉल की थी दोस्तों, अभी बरसात का मौसम है तो इसलिए मम्मी जी अभी नहीं आ पाएगी, और गांव घर का बात है, फिर घर का बात है, तो जब टाइम मिलेगी तब आएगी मम्मी जी। एंड मम्मी जी पैसे भेज दिए हमें मटर खरीदने के लिए, है ना। तो अभी हम जा रहे हैं वही देखने के लिए। ये बताना था आप लोगों को दोस्तों कि मम्मी जी आएगी। मम्मी जी बोली कि तुम लोग जब तक मैं आ नहीं जाऊँ, आके बात नहीं करूँ, तब तक तुम लोग मत जाना करके, तो इसीलिए हम लोग अभी यहीं पर रहेंगे। और पता नहीं मम्मी दो दिन में आएगी या चार दिन या दस दिन भी लग जाएगा, तो ये हमें पता नहीं। बताए दोस्तों, हर चीज़ में प्रॉब्लम ही है। यहाँ पे देखिए साइकिल में भी हवा नहीं टिकता, तो वहाँ साइकिल में हवा दे रहे हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, मैं अचार में डालने के लिए मसाला वगैरह खरीद रही हूँ। यहाँ पे मिर्ची, धनिया, जितना भी चीज़ होता है डालने के लिए मसाले में, वो सारे चीज़ मैं खरीद रही हूँ दोस्तों। और यहाँ पे देखिए, हम आए हुए हैं बाज़ार, हटिया जिसे हम बोलते हैं, तो हटिया आए हुए हैं हम सब्जी वगैरह खरीदने के लिए, और ये मसाला के सामान भी खरीदने के लिए आए हुए हैं। खरीद लिए दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, सारा सामान यहाँ पे खरीद लिया, घर जाके आप लोगों को दिखाती हूँ, आइए। तो चलिए घर चलते हैं। फाइनली हम आ चुके हैं बाज़ार से वापस, और दोस्तों तो हम गए थे बाज़ार जिस काम से, वो सब खरीद के ला लिए हैं। अचार का मटेरियल आपको पता है, बीमू अचार बना रही है, तो उसी का मटेरियल लाई है बाज़ार से खरीद के। हाँ, तो दोस्तों अभी आपको हम पिछले वाले कैमरे से सारी चीज़ दिखाते हैं। और हम मटर लेने के लिए भी गए थे, तो मटर बहुत महंगा था, तो हम मम्मी से फिर बात करेंगे, मम्मी को बोलेंगे जो आप पैसे भेजो थोड़ा कम पड़ रहा है, तो क्या करेंगे, लेना है या नहीं लेना है, या उसी को थोड़ा बहुत पैसा खर्च करके उसी को ठीक करवाना है, तो देखते हैं क्या होता है नहीं होता है, तो बने रहे हमारे साथ। एंड ये धनिया, थोड़ा सा धनिया डालेंगे अचार में। ये सरसों, वाइट वाला सरसों है। ये जीरा दोस्तों, ये भी डालेंगे। ये मेथी दाना, ये भी डालेंगे। ये अजवाइन, यहाँ पे हमारे लोकल एरिया में जमाइन बोलते हैं इसको, ये भी डालेंगे। ये है बिटनून दोस्तों, बनाते समय आप लोगों को दिखाऊंगी। काला नमक बोलते हैं इसको, काला नमक। हाँ, काला नमक। एंड ये है पांच फोरन, इसमें पांच रंग की चीजें रहती है दोस्तों। यहाँ पे क्या क्या रहते हैं, मंगरेल, जमाइन, मेथी, सौंफ और कुछ एक और कुछ एक रहते हैं, पाँच 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 है। फाइनली लाल मिर्च, रेड चिल्ली, तो ये सारे डालेंगे हम। और इसके अलावा सौंफ भी डालते हैं दोस्तों, सौंफ मेरे घर में ही है तो इसीलिए नहीं ली मैं। तो ये हो गया दोस्तों अचार का मटेरियल, एंड इसमें मैं वापस रख दे रही हूँ क्योंकि इन सब चीज़ों को गर्म करके रखना होता है, तो गर्म करके उसको पीसेंगे, फिर आप लोगों से मिलूंगी मैं।
एंड यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं इसको क्लीन कर ली थी पहले, धो के इसको सुखा ली हूँ। और यहाँ पे देखिए अचार को 24 घंटे के लिए मेरे लिए नमक और हल्दी डाल के छोड़ दिए थे। तो यहाँ पे देखिए पानी कितना आ गया है, दिखाओ। यहाँ पे बाहर का पानी नहीं है दोस्तों, तो इसको अब निकाल ले रही हूँ मैं। तो ये मैं छान ली हूँ, यहाँ पे इतना पानी है, इस पानी को कुछ नहीं करना है, फेंक देना है। और ये जो है अचार दोस्तों, तो यहाँ पे धूप का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, धूप ही नहीं निकल रहा है आजकल, बहुत बारिश का मौसम है। तो इसको मैं क्या करूँगी, फैन में इसको सुखा लूँगी अच्छे से, एंड तब तक ये मसाला रेडी करके फिर इसमें तेल डाल के मसाला डाल के मिक्स कर दूँगी। तो हो गया हमारा अचार, जब धूप आए तो धूप में सुखा लूँगी एंड रख लूँगी। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमारा मेन हीरोइन आ चुकी है, सुहाना आ चुकी है। सुहाना हाय बोल दो सभी को। हाँ, और सुहाना आपके सभी के स्वागत में उपस्थित है। सुहाना कुछ बोलो, आप बोलो तो क्या बोलना है। तो आई एम सॉरी दोस्तों, बीमू रोई है वीडियो में, उसके लिए आई एम सॉरी। अब हमें पता है आप लोगों को नहीं अच्छा लगता है कि हम दोनों में से कोई भी रोए, तो उसके लिए सॉरी। क्या करें, सिचुएशन ऐसा था कि ये रोने लगी। तो आई होप आप लोग समझ सकते हैं इस सिचुएशन को, क्योंकि ऐसा होता है इंसान के साथ, इंसान ही ना है। हंसने वाली बातें पर हंसी आती है, रोने वाली बात पर रोना भी आ जाता है। आई होप आप लोग समझ सकते हैं इस बात को। तो चलिए सारे बातों को इग्नोर करते हुए हम आपसे एक बात करना चाहते हैं अभी, कि पिछले वाले वीडियो पे हमने आप सभी को बताया था कि पनिशमेंट बाकी है ना, चाउमीन चैलेंज था है ना, गोलगप्पे वाला। हाँ, एक बार मैं हारी थी और एक बार ये हारी। हाँ, तो दोनों का जो पनिशमेंट में ये है कि डांस करो, तो दोनों का चैलेंज यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, पनिशमेंट यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। हम दोनों पनिशमेंट के रूप में डांस करके एक फुल वीडियो आप सभी के लिए हम जल्द लाने वाले हैं, ताकि ये माइंड भी थोड़ा चिल हो, और जिस जो माइंड में डिप्रेशन के रूप लिए हुए वो भी हट जाए। इसलिए तो थोड़ा सा हम प्रैक्टिस भी करते हैं। आप लोग देखिए, उधर देखिए बैकग्राउंड में बीमू एंड सुहाना सब रेडी है, और हम भी अभी वहीं जाने वाले हैं। तो वहाँ पर देखिए, तो चलिए वहाँ पर चलते हैं और आपको दिखाते हैं इनका डांस। ओके, रेडी, 1 2 3 गो। छोटा सा हम आपको ट्रेलर दिखाए, फुल वीडियो बनाने वाला है, जिसमें थोड़ा आपको अच्छा ही लगेगा डांस देखने को। हम तो प्रोफेशनल डांसर तो नहीं है कि जैसा सेम मैं करूँ वैसा ही सेम ये करेगी, लेकिन ये अपने ताल में नाचेगी और मैं अपने सुर में नाचूंगा। सुर और ताल बेताल होने वाला है हमारा आने वाला वीडियो का। तो बने रहे हमारे साथ। ये हमारा जो मेन ब्लॉग होता है वो हर एक दिन आता है दोपहर को 1 बजे, जो आप लोग देखना भूल जाते हो तो प्लीज़। एंड दोस्तों, मैं आप लोग को यहाँ पे भी इन्फॉर्म कर दे रही हूँ कि जो मेरे चैनल है वहाँ पे लाइव एंड कम्युनिटी दोनों मिल चुकी है मुझे। तो कल 12 बजे मैं लाइव आऊँगी, वहाँ पे वीडियो में भी मैं डाली थी दोस्तों कि कितने बजे लाइव आऊँ। तो जितने ही लोग वहाँ पे देखते हैं, कमेंट किए थे कुछ लोग कि आप 12 बजे लाइव आ जाओ करके, ज़्यादातर आंसर था कि 12 बजे आ जाओ। आप लोग भी मुझे सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों, तो मेरे वाले चैनल पर जाकर मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कल मैं 12 बजे लाइव आने वाली हूँ उस चैनल पर। तो दोस्तों, वो चैनल का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, तो जाइए दोस्तों एंड सब्सक्राइब कीजिए।